मैं हूं मानव, वेलकम टू मूवी शूवी। दोस्तों आज मैं आपको एक ऐसी मूवी के बारे में बताने वाला हूं जो कि बिल्कुल ही नीट एंड क्लीन है, बहुत ही अच्छी है, आपके मुंह पे स्माइल लेके आएगी, आपको इंस्पायर करेगी और अपनी फैमिली के साथ बैठ के आप मस्त तरीके से देख सकते हैं, अपने पेरेंट्स के साथ भी बैठ के देख सकते हैं। तो ये कुछ इस तरीके की मूवी है जिसका नाम है स्पिन, जो बच्चों को इंस्पायर करेगी और पेरेंट्स को एक थॉट प्रोसेस देगी कि अगर आप बच्चे के अंदर कोई टैलेंट देख लेते हैं तो उसको और ज़्यादा प्रोत्साहन कैसे दे सकते हैं इन अ पॉजिटिव स्पिरिट। तो इस तरीके की मूवी है। सेटअप कुछ इस तरीके का है कि रिया, जो अविंतिका ने रोल प्ले किया है, वो एक बहुत ही अच्छी ब्राइट सी स्टूडेंट है, बहुत अच्छा मस्ती वाला उसका जीवन चल रहा है स्कूल के अंदर, और स्कूल के बाद जो आफ्टर लाइफ भी है उसकी बहुत अच्छी है। अपने जो उसके फ्रेंड हैं उसके साथ कुछ ना कुछ कोकुलर एक्टिविटीज़ करती रहती है, बट उसके अंदर एक ना म्यूज़िक के लिए कुछ स्पार्क है जो उसकी मदर ने उसको थोड़ा सा सिखाया होता है, थोड़ा सा उसको हिंट दिया होता है, और वो बोलती है कि म्यूज़िक हर तरफ है, और इस तरीके की चीज़ उसको हमेशा यादगार रहती है। उसकी मदर अब है नहीं, तो वो सिंगल पेरेंट के थ्रू रेज हुई हैं, जो कि हैं अभय देओल, और उनका अपना एक इंडियन रेस्टोरेंट है वो भी अमेरिका के अंदर। और ये लड़की बहुत ज़्यादा स्मार्ट है, तो पहले स्कूल जाती है, फिर उसके बाद स्कूल के बाद अपने फ्रेंड्स के साथ कुछ कोकुलर एक्टिविटीज़ भी करती है, बहुत स्मार्ट है, और उसके बाद जो है अपने पेरेंट्स की यानी अपने अभय देओल की भी हेल्प करती है रेस्टोरेंट के अंदर। अब इसके बाद उसको ऐसा कुछ होता है कि स्कूल के अंदर एक मैक्स नाम का बंदा दिख जाता है, और वो बंदा जो होता है उसके अंदर बहुत ही सही टैलेंट होता है डीजेइंग का। तो वो डीजे करते करते इसका भी जो म्यूज़िक में इंटरेस्ट था, लॉन्ग लॉस्ट इंटरेस्ट था, वो इग्नाइट हो जाता है, और जब वो उसको थोड़ा थोड़ा सिखाने लगता है तो लव तो थोड़ा सा होता ही है, अट्रैक्शन तो होती होती है, साथ ही साथ में उसका जो इंटरेस्ट होता है, नेचुरल नैक जो होता है डीजेइंग का, रीमिक्सेस का, वो इग्नाइट हो जाता है, और ये रीमिक्सेस करती है दोस्तों इंडियन म्यूज़िक को उठा के, जो साउथ एशियन म्यूज़िक होता है बहुत ही प्यारे तरीके से। अब आगे क्या होता है कि क्या इसमें सक्सेसफुल होती है कि नहीं होती है, इसका लव कैसे शेपअप होता है, और इसकी फैमिली इसको किस तरीके से सपोर्ट करती है नहीं करती है, और वो सब आपको देखो मूवी के अंदर एक्सप्लोर करना होता है। बहुत ही अच्छे तरीके से ये दिखाया गया, जो डायनेमिक्स दिखाए गए हैं पेरेंट्स के, पेरेंट्स स्टार्टिंग में क्योंकि इसकी मदर बाद में मर जाती है, फिर अभय देओल का अपनी बच्ची के साथ क्या डायनेमिक्स है, जो इसकी मदर इन लॉ होती है अभय देओल की और उसकी बच्ची का जो डायनेमिक्स है वो बहुत अच्छा दिखाया गया, और साथ ही साथ में जो स्कूल का जो डायनेमिक्स है वो भी बहुत प्यारे तरीके से दिखाया हुआ है। ओवरऑल बेसिस पर आपको काफ़ी ज़्यादा इंस्पायरिंग लगेगी और एक लेसन भी आपको ज़रूर देखी जाएगी। जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला कि अगर माँ बाप को कोई बच्चों में टैलेंट दिख जाता है तो वो उसको आगे नर्चर कैसे कर सकते हैं, और उनको क्या छोटी छोटी बातों पे जैसे कहते हैं ना प्रेरित कर सकते हैं, ताकि उनको ये भी ना लगे कि हम बहुत ज़्यादा प्रीची हो रहे हैं, बट उनके साथ गंदगी से गंदा मिला के हम खड़े हुए हैं। तो इस तरीके की मूवी है, मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी, और ये अपनी फैमिली के साथ भी देख सकते हो, बिल्कुल नीट एंड क्लीन है, तो मैंने तो काफ़ी इन्जॉय करा। मेरी तरफ से तो इसको ए स्कोर है, आप देखो फिर मेरे को बताना, ये डिज्नी चैनल के ऊपर आपको मिल जाएगी। बाय बाय।